What's up? Namaskar, vanakkam. So guys, Jai Maharashtra. So very good morning and welcome to my vlog. So आज का vlog मैं आपको पुणे लेके चलने वाला हूँ. Yes, हम पुणे जा रहे हैं and मेरा दो काम है आज. So पहला काम यह है कि लेज़र टैटू मशीन का मैं सर्विसिंग के लिए मैं वहाँ पे दिया हूँ. So उसको पिकअप करने जाना है मशीन को एंड एक स्टूडियो विजिट करने वाले हैं. So the studio that we are gonna visit today is Sach Tattoos. Yes, we are gonna meet Sachin Sherekar and we are gonna explore the studio. You guys are gonna see the whole tour of Sach Tattoos. And for all those people who don't know, I also do laser tattoo removal. So people who regret their tattoos and for people who don't want their tattoos, I can be the solution and I can help you remove your tattoos. So feel free to contact me or DM me on my Instagram or Facebook. Also YouTube. So without wasting more time, let's head to Pune. तो अभी हम लोग पुणे पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग सच टैटूज पहुंच गए. सो अभी अंदर जाते हैं और सचिन भाई से मिलेंगे और सच टैटूज का स्टूडियो टूर करेंगे. सो आई होप आप लोगों को मजा आएगा. सो कम अलोंग, लेट्स मीट सचिन भाई. सो हियर वी एंटर नाउ. हेलो सचिन भाई. हाय, कैसे हो? ठीक ठाक. सो गाइस, दिस इज सचिन शिरेकर एंड शी इज सचिन सर्स वाइफ. हेलो मैडम. हेलो. सो दिस इज सच टैटूज पुणे. सो गाइस, फाइनली हम लोग सच टैटूज में एंड आई हैव मिस्टर सचिन शिरेकर हो यार. हेलो दादा. दादा हम इसीलिए इनको बोलते हैं बिकॉज वो हमसे एज में भी बहुत बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट भी है. तो इसके लिए मैं हमेशा इनको सचिन दादा करके बोलता हूँ. एंड क्या बताओ सचिन भाई के बारे में. बहुत ही एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है एंड पुणे में काफी साल से टैटूइंग कर रहे हैं. उनको 15 इयर्स हो चुके हैं टैटू इंडस्ट्री में एंड बहुत सारे टैटू कन्वेंशंस में वो जज बन के भी रहे हैं एंड आप देख सकते हो कि उनके पास कितने सारे अवार्ड्स भी है कन्वेंशन के. सचिन भाई और मेरा एक ही स्टाइल ऑफ वर्क का लाइकिंग है, दैट इज डॉट वर्क एंड मंडाला. कन्वेंशंस में सचिन भाई हमारे कॉम्पिटिटर है बट रियल लाइफ में वो हमारे बहुत ही एक वेलविशर और मतलब जो मेरे को बहुत एंकरेज किए हैं मेरे काम में और लाइफ में टैटू वर्ल्ड में. हम साथ में कन्वेंशंस भी होस्ट किए हुए हैं जो मुंबई में, नवी मुंबई में हमने किए थे 2018 में. आप सब लोगों को पता रहेगा इन ब्रदर्स. तो मैं सचिन भाई का पार्टनर था उसमें. सो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे वक्त से मैंने सचिन भाई के साथ टाइम स्पेंड किया हूँ और उनके साथ बहुत नॉलेज भी गेन किया हूँ. बहुत सारा चीज़ मुझे उनसे सीखने मिला. तो आज हम लोग पुणे आए हुए हैं और सच टैटूज का आज टूर बताने वाले हैं आप लोगों को. अभी सचिन भाई हमको अपना स्टूडियो बताएंगे और क्या क्या करते हैं यहाँ पे वो चीज़ अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो चलिए अभी स्टूडियो देखते हैं. चलिए सचिन भाई. ये छोटा सा बॉक्स स्टेशन है, बोथ साइड रहता है. एक साइड ये, एक साइड ये. क्लाइंट जब आते हैं तो बोथ साइड कटिंग करते हैं. आर्टिस्ट है हमारे पास, वो एक दूसरे के साथ कॉर्डिनेट करके करते हैं. डिजाइनिंग होता है, डिजाइनिंग पार्ट वगैरह ये सब कुछ हो जाता है उसमें. छोटा सा कोजी. सो ये एरिया है जो कस्टमर लाउंज है. यहाँ पे पहले कस्टमर्स आते हैं, यहाँ पे उनका डिजाइनिंग वगैरह सब फाइनलाइज होता है एंड यहाँ पे वर्क स्टेशन एरिया है. सो अभी हम लोग आपको वर्क स्टेशन एरिया भी बताएंगे. तो यहाँ पे दो सेटअप लगे हुए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से कैसे रहता है थोड़ा सा डिस्टेंसिंग होना चाहिए, इसलिए हम दो सेटअप अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस में रखे हुए हैं. यहाँ पे एक सेटअप रहता है जहाँ पे मैं मोस्टली काम करता हूँ. यहाँ पे बाकी आर्टिस्ट रहते हैं वो यहाँ पे काम कर लेते हैं. ये थोड़ा कुछ छोटे से डिजाइन जो बने हुए हैं अभी रिसेंटली कोरोना के बाद के, इसके स्टेंसिल्स रखे हुए हैं ऐसे जस्ट टाइम को दिखाने के लिए. काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब है ये स्टूडियो में एंड आप देख सकते हो सचिन भाई ने आर्टवर्क्स क्या क्या बना के रखे हुए हैं. ये हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं. जो भी आर्ट आर्ट आर्टिस्ट जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे हमने क्रिएट किए हुए हैं खुद के हाथ से.
वुड का पूरा कटिंग करके उसको ग्राइंडिंग करके पॉलिशिंग करके उसके ऊपर आर्टिफैक्ट्स लगा के हमने क्रिएट किया था। मेरा मन में ये क्या कि मैं वो चीज़ में मेरा बहुत ध्यान है, मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले आप लेके चले जाओ। जरूर जरूर ऐसा है, ये छोटा सा वर्क सेशन है, इसके बाद ये सारे अवार्ड्स हैं जो भी जीते हुए हैं यहाँ पे रखे हुए, थोड़े से स्वागत का ब्रांच है अपना और एक ब्रांच है वहाँ पे भी रखे हुए हैं। सो काफ़ी सारा अवार्ड्स है सचिन भाई का, यहाँ पे तो पूरा वॉल भर चुका है। और एक स्टूडियो है उनका, मैं एक्चुअली बोलना भूल गया इंट्रो में, और एक स्टूडियो है तिलक रोड में स्वारगेट में, एक्चुअली स्वारगेट में और एक स्टूडियो है वहाँ पे भी और सारे अवार्ड्स है। एंड आप देख सकते हो यहाँ भी एक वर्क स्टेशन सेटअप है, एंड सचिन भाई का अंदर एक पर्सनल रूम भी है जहाँ पे वो पर्सनल क्लाइंट्स एंड फीमेल्स को अंदर टैटू बनाते हैं। सो अंदर आपको लेके चलते हैं, एंड हम आपको अभी ट्रेनिंग एरिया भी बताएंगे सर टैटूज के। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बैठते हैं और आर्टिस्ट भी जो ड्राइंग वर्क करते हैं बैठते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। सो गाइस लेट्स विजिट द ट्रेनिंग एरिया, कम ऑन। यहाँ पे स्केचिंग चलती है जो आर्टिस्ट हमारे आकाश, ये भी हमारा आकाश ही है, ये भी आर्टिस्ट ही है, इधर स्केचिंग चलते रहता है, डिजाइनिंग चलते रहता है। स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिस चलते रहता है, बैच वाइज आते हैं सारे, बैच वाइज अटेंड एक से दो स्टूडेंट के पीछे हम काम नहीं करते हैं। अभी हम लोग सचिन भाई के पर्सनल रूम पे जाएंगे। ये हमारा पर्सनल रूम है जहाँ पे मोस्टली लेडीज वगैरह अनकंफर्टेबल रहते हैं कि उनका कोई अगर इनर पार्ट पे कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो अनकंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए हम उनके लिए स्पेशली रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सेटअप है, लेजर मशीन है, लेजर मशीन के जितने भी ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं टैटू रिमूवल के वो यहाँ पे हो जाते हैं। ये सेटअप छोटा सा है, कोजी है। सो गाइस ये लेजर मशीन है और टैटू का भी एक सेटअप है, तो यहाँ पे प्राइवेट टैटूज होते हैं सच टैटूज में। अभी एक नर्सरी के उधर हम लोग चल के जा रहे हैं, यहाँ पे अक्षय भी है। अक्षय आया था आज कंपनी के लिए पूना ट्रिप में, अक्षय मेरा स्टूडेंट है, वो भी एक टैटू आर्टिस्ट है। तो अभी आगे एक नर्सरी है, वो नर्सरी में जाके थोड़ा सा रोज प्लांट्स खरीदना था, क्योंकि हमारे पास जो हैमस्टर था, जैसा मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था, वो हैमस्टर एक्सपायर होने के बाद हमने एक वाइट रोज प्लांट में उसको प्लांट किया था, तो बट वो वाइट रोज प्लांट ख़राब हो गया, उसमें कीड़े पड़ के वो प्लांट मर गया। तो मैं सोचा क्यों नहीं इधर से ही, थोड़ा अच्छा रोज प्लांट्स दिख रहे थे तो कलरफुल रोज प्लांट्स को शॉपिंग करने जा रहे, तो मैं आपको आगे नर्सरी का फुटेजेस भी बताऊँगा, स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम लोग हैं मगरपट्टा में, सो दिस इज़ मगरपट्टा सिटी, ये रहा नर्सरी, ये सचिन भाई के स्टूडियो के सामने ही था थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोज प्लांट्स दिखते हैं। तो अभी हम लोग नर्सरी पहुँच गए, एंड जैसे कि आप देख रहे हो मेरा पीछे रोज प्लांट्स है, ये ऑरेंज कलर का रोज प्लांट मुझे ख़रीदना है, एंड कुछ एक्जॉटिक ऐसा कलर का प्लांट मिले तो मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि हम हमारा हैमस्टर के पॉट में नया प्लांट डालने वाले। सो अभी रोज़ का शॉपिंग करते हैं। सो ये तीन प्लांट लेने का मेरा विचार है, ये एक हिबिस्कस का एक ब्रीड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये भी थोड़ा रेडिश ऑरेंज का रोज प्लांट है, और ये ऑरेंज रोज प्लांट। प्लांट्स का शॉपिंग हो चुका है, चार प्लांट्स लिए हुए हैं, तीन रोज और एक हिबिस्कस का, तो अभी इसको डिक्की में रखते हैं।
मेरा लेज़र मशीन को भी हम लोग ने पीछे लोड किया हुआ है। मैंने उसको बॉक्स में पैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका हैंडल का प्रॉब्लम होता है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड लेज़र मशीन भी है एंड प्लांट्स भी है। छास का टाइम चालू है अभी, चीयर्स। अंदर छास है गाइस। गर्मी का मौसम है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेशन दे रहे। गाइज अभी टी टाइम है एंड भाभी ने बहुत अच्छे से हमारे लिए ग्रीन लेमन टी बनाया हुआ है। सो अभी चाय का मज़े लेते। ये सचिन भाई का क्रिएशन है, जैसा कि आप देख रहे हो ये गणेश जी का मूर्ति। ये भी मूर्ति सब ब्रास का है 100% एंड सरस्वती, ये लक्ष्मी माता है, ये सरस्वती है, ये गणेश जी है। सो जो वुड है वो उन्होंने पर्सनली कट करके उसके ऊपर ये ब्रास को चिपकाया हुआ है, तो ये उनका पर्सनलाइज आर्टवर्क है। सो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। टुडे वी एंड द वीडियो ओवर हियर एंड आई वुड लाइक टू थैंक सचिन भाई फॉर होस्टिंग मी ओवर हियर एंड शोइंग मी द होल टूर ऑफ सच टैटूज। आई हैड अ वंडरफुल टाइम ओवर हियर एंड सचिन भाई ने भी बहुत मजे से हम लोग को अपना टाइम दिए एंड स्टूडियो का पूरा टूर करने के लिए साथ दिए। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को, टैटू बेल आइकन दबाना, टैटू वाला टॉक। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल टैटू वाला टॉक्स एंड हिट द बेल आइकन जैसा सचिन भाई ने बताया, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन आएंगे जब मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। सो दिस इज राहुल वेंकट साइनिंग ऑफ फ्रॉम सच टैटू।